आज हम सीखेंगे ये कार्ड पर्स बनाना, जिसमें कि हम लास्ट में जो है पैसे वगैरह भी रख सकते हैं। तो देखिए, इसे बनाना बहुत ही ईजी है। 24 इंच का हमने जीन्स का पीस ले लिया है और इसकी चौड़ाई जो है 5.5 इंच है। तो सबसे पहले हम आधार कार्ड लेंगे। देखिए, आधार कार्ड को हमें यहाँ से करीबन 1.25 इंच नीचे रखना है। अब देखिए, इस तरीके से कपड़े को हमने ऊपर की तरफ कर लिया कि आधार कार्ड की जो है बिल्कुल हल्की सी जो सिधाई है कागज़ की, वही नज़र आएगी। दोनों तरफ हम ऑलपिन लगा लेंगे। इसके बाद हम बैंक का कार्ड रख लेंगे। इस तरह से हमने रखा इसको। अब देखिए, फिर कपड़े को हम ऊपर की तरफ कर लेंगे। अब इसे भी हमें इतना ही ऊपर रखना है, 2 पॉइंट जो है कार्ड से नीचे रखना है ताकि कार्ड हमें दिखाई दे। यहाँ पे भी दोनों साइड पे हम पिन लगा लेंगे। दोनों साइड पिन लगाने के बाद अब हम थर्ड वाला कार्ड रखेंगे और कपड़े को ऊपर की साइड फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हमने पिन लगा लेनी है। अब हमें सबसे पहले दोनों साइड पे स्टिच लगा लेनी है मशीन से। ये कार्ड निकाल लेंगे और हम दोनों साइड पे स्टिच लगाएंगे पहले। तो देखिए, इस तरह से हमें पिन को निकालते जाना है और यहाँ पर हमें स्टिच लगाते जाना है। यहाँ पर मैंने 18 नंबर की नीडल का यूज़ किया है मशीन की। दोनों साइड पे हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने जीन्स पे जो स्टिच करनी थी कर ली है। अब इसके बाद हमने लाइनिंग का पीस ले लिया है सेम साइज़ का। इसकी जो लेंथ है 10.7 इंच है और इसकी जो चौड़ाई सेम है। तो देखिए, अब हमने यहाँ पे बुकरम ले ली है। बुकरम को ऐसे फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर कॉर्नर से 1 इंच पे मार्क लगा लिया है। और इस तरीके से एक तिरछी लाइन लगा लेनी है। पहले हम इसको काट लेंगे, ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब जींस की सीधी साइड पे हमें लाइनिंग रखनी है। अब हम बुकरम लेंगे। बुकरम का जो ये ट्रायंगल वाला हिस्सा है, इसे प्लेन साइड पे रखना है जींस के, ऐसे करके। अब देखिए, हमने यहाँ पर इसे अच्छे से रख लिया। इसके बाद यहाँ पर हमें इतना एरिया छोड़ने के बाद बाकी सारे हिस्से पे स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए, हमने यहाँ पे स्टिच लगा लिया है। इस कॉर्नर को हम ट्रिम कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, जहाँ से हमने बगैर स्टिच किए छोड़ा था, यहाँ से हम इसे टर्न कर लेंगे राइट साइड को। तो देखिए दोस्तों, ये जो जगह जहाँ से हमने राइट साइड को टर्न किया है, इस पर हम तुरपाई कर लेंगे। ऐसी तुरपाई करनी है कि जो कि बाहर की तरफ नज़र ना आए थ्रेड। अब देखिए, तुरपाई करने के बाद इसको हम ऊपर की तरफ टर्न कर देंगे 3 इंच और 6 पॉइंट तक। दोनों साइड पे हमने टर्न कर लेना है और हाथ की सुई में फिर से हमें डबल थ्रेड डाल लेना है और किनारे की जो है इस तरीके से फिनिशिंग करनी है कि थ्रेड जो है बाहर को नज़र ना आए। वैसे तो हम मशीन से भी इसकी स्टिच कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर फैब्रिक काफ़ी मोटा हो गया तो सुई के टूटने का डर है, तो इसलिए मैं यहाँ पर हाथ से ही फिनिशिंग कर रही हूँ इसकी। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम दोनों साइड के किनारों की फिनिशिंग कर लेंगे। दोनों साइड के किनारों की फिनिशिंग करने के बाद हमने यहाँ पर ये टिच बटन या प्रेस बटन ले लिया है, जिसे हम एक यहाँ पे और दूसरा हिस्सा इसका ऊपर की साइड स्टिच कर लेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इस पर्स को अगर प्लेन रखना है तो इस तरीके का आपको कुछ दिखाई देगा। आगे हम चार कार्ड रख सकते हैं, दो हमने एटीएम कार्ड रखे हुए हैं, एक हमने आधार कार्ड और लास्ट में एक पॉकेट और है। और अगर आप इस पे लेस लगाना चाहते हैं तो लेस भी लगा सकते हैं। इस तरीके की मेरे पास देखिए लेस है, जिसे कि हम यहाँ से स्टिच करेंगे, थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे किनारे को और फिर यहाँ से स्टिच करेंगे यहाँ तक, यहाँ से करेंगे यहाँ तक, तो इसको हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने लेस भी लगा ली है यहाँ पे। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको प्लेन ज़्यादा अच्छा लग रहा था या लेस के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।